फिलिप्स के इस पॉपअप टोस्टर को हम पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से अपने घर में ऑकेजनली यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साथ हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इसकी फंक्शनिंग क्या है और किस प्रकार का ये ब्रेड जो है ब्राउन करता है, उन सब को आज हम इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस पूरे टोस्टर की एक लुक दिखा देता हूँ कि चारों तरफ से कैसा लगता है, इसमें क्या क्या बटन्स वगैरह हैं, फिर उसके बाद में इसमें ब्रेड वगैरह सेक के देखेंगे और सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस लीड को हटा देता हूँ, यहीं आपको दिखा दूँ पहले यही। चलिए, ये एक इसके ऊपर ये डस्ट कवर है ऊपर, जो कई बहुत कम टोस्टर्स में देखने को मिलता है, ये इसमें एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत मजबूत है। देखिए देखिए, मैं कितना भी ट्विस्ट करता हूँ ये ट्विस्ट नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये जो है डस्ट कवर है इसका, माइक्रोवेव टाइप के जो बर्तन होते हैं उस टाइप का यह है। देखिए मैं बहुत करीब से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, इसको हम इस एक तरफ रख देते हैं। और अब मैं आपको पूरा ये टोस्टर दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर से है, इसको अभी चालू करेंगे, ये स्टील का है पूरा पोर्शन और बहुत गुड लुकिंग है, ये भी जो है बहुत गुड लुकिंग है। अंदर जो इसकी ग्रिल्स वगैरह हैं ये भी ज़्यादा पतले तार की नहीं है, अच्छे वायरस की बनी हुई है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, अंदर से भी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, ये सारे जो इसके सराउंडिंग है बहुत अच्छे से इसमें फिनिशिंग है और अच्छा लगता है देखने से। इस तरफ से देखते हैं, फिर ये जितने भी ये बटन नज़र आ रहे हैं हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ फिलिप्स की ब्रांडिंग है, ये हमारे में वाइट कलर का है और बहुत सुंदर लगता है ये देखने से, ये इसका जो है मेन हमारा पार्ट है, बटन्स वगैरह हैं उन सब के बारे में भी बात करते हैं। जस्ट एक आप लुक देख लीजिए पहले पूरे इसकी, यहाँ से देखिए इस तरफ भी ब्रांडिंग दी हुई है फिलिप्स ने अपनी, आइए इस तरफ देखिए एक ट्रे है, अभी बात करते हैं इसकी भी। और इधर मैं आपको इसका बॉटम दिखाऊं, तो बॉटम के अंदर भी ये जो प्लास्टिक है, तो ओवरऑल प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी की है पूरे टोस्टर में और बहुत अच्छी गुड फील देता है किचन में रखा हुआ, बहुत सुंदर लगता है देखने से। ये जाली है, ग्रिल है, ताकि इसमें कुछ और इंसेक्ट्स वगैरह ना जाए। आइए देखिए, इसमें एक प्लेट लगी हुई है यहाँ पर जिसमें इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और इसमें 830 वाट लिखा हुआ है और मॉडल नंबर 2036 इसका मॉडल नंबर है फिलिप्स के टोस्टर का, और इसमें लिखा हुआ है मेड इन चाइना, तो ये चाइना का बना हुआ है। ये लीड है, बहुत अच्छी क्वालिटी की लीड है, पावर सॉकेट नहीं है ये नॉर्मल सॉकेट है, आप इसको उसमें लगा सकते हैं कि 830 वाट की है ये टोस्टर जो है, तो ये लीड वगैरह भी बहुत अच्छी फिनिश की और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लीड है इसमें फिलिप्स ने दी है। इसके अंदर लेंथ करीब करीब 1 मीटर है इस लीड की जो है, ज़्यादा बहुत लंबी लीड नहीं है। और ये जो इसके अंदर ये आप ये देख रहे हैं सॉकेट्स, ये जब हम यूज ना करें तो इसको इसमें लपेट के रख सकते हैं इस लीड को, देखिए इस तरह से ये लीड इसमें चारों तरफ आ जाएगी, हम इस तरह से इसको रैप करके जब यूज ना हो रहा हो तो इसको रख सकते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं क्योंकि हमें अभी इसको यूज करना है। ये इसके जो है पैर है, समझिए इसके जो है स्पेसर्स है जो इसको जमीन से ऊंचा उठा के रखते हैं, तो इसको दिया हुआ है ताकि ये टच ना करे, थोड़ा हाइट पे रहे, जमीन पे अगर गीला गीला हो तो इसको कोई ऐसे शॉक वगैरह ना लगे। अब आइए एक एक करके हम इसके बटनों की तरफ चलते हैं, ये तो मैंने दिखाई दिया है बहुत अच्छी क्वालिटी का इसका डस्ट कवर है, और इसको कब यूज करना है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ एक छोटा बटन है, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको दबाया एक रैक खुल जाती है ऊपर इस प्रकार से, आप देख रहे हैं कितनी इस हाइट पे है, करीब 3 2 2 उंगल हाइट पे है मेन उससे, तो ये एक रैक खुल जाती है, ये काम आता है हमारा, ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन इसमें दिया हुआ है हमारा, इसमें बंस वगैरह है या कुछ पेटीज वगैरह है, फैन वगैरह है, वो यहाँ पे रख के हम इसको गर्म कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो ये उसके लिए दिया है। ये जस्ट इसको दबाने से ही, इस लीवर को इसको दबाने से, देखिए ये दबाने से ये रैक खुल जाती है और ये ऊपर करने से वापस ये रैक नीचे हो जाती है। अब चलते हैं इस तरफ एक ये जो है, इधर भी एक लीवर दिया हुआ है, देखिए बड़ा स्मूथ है दबाने में बहुत ही स्मूथ है। इसको दबाने से जो है, यहाँ जो हम ब्रेड डालेंगे इसके अंदर, दोनों तरफ जो है ब्रेड डालेंगे,
और इसको दबाएंगे तो ये हिंजा के ये लॉक हो जाता है। अब ये लॉक नहीं होगा क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा, जब तक पावर नहीं दूंगा, ये और यहाँ पे लॉक नहीं होगा जाकर। जब हम इसको ऑन कर देंगे तो जैसे हम इसको दबाएंगे जाके यहाँ लॉक हो जाएगा, और ये तभी अनलॉक होगा या तो हमारी ब्रेड जो है जितना टाइमर हमने इसमें फिक्स किया उसके हिसाब से ब्राउन हो चुकी है, या फिर हम इसका जो ये एक बटन है स्टॉप का हम इसको दबा दें। अगर हम इसकी फंक्शनलिटी को बीच में रोकना चाहते हैं तो हम स्टॉप बटन दबाएंगे और ये लीवर जो है अपने आप ऊपर आ जाएगा और हम ये मशीन ऑफ हो जाएगी हमारी। आइए, ये जो एक रेगुलेटर है हमारा, देखिए रिवॉल्विंग है, बहुत अच्छा इसका स्मूथ फील है मूव करने में। इसमें 8 जो है सेटिंग्स दे रखी है इसके चारों तरफ, तो हम 8 प्रकार की सेटिंग्स में हम ब्रेड को ब्राउन कर सकते हैं। और बीच बीच में आप देख रहे होंगे कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे कि ये साइन दे रखा है, इधर एक साइन दे रखा है, ये एक साइन दे रखा है, ये क्या चीज़ें हैं। तो आइए, मैंने इस बटन को बता दिया, ये बता दिया, ये हो गया। आइए, ये हमारा सिर्फ वार्म करने के लिए, जैसे हमने ब्रेड हमने टोस्ट करके रखी है हल्का उसको गर्म करने के लिए, तो अगर हमें करना है तो हमें इस रेगुलेटर को इस पोजीशन पर रखना होगा। ये रीहीटिंग है, ये रीहीटिंग के लिए है, टोस्ट बना दिया है थोड़ी देर में ठंडा होकर दोबारा से गर्म करना है तो ये रीहीटिंग के लिए काम आता है, हमें इसको ये जो साइन है इसको इसके बराबर करना होगा। फिर हमारे पास में जो है ये एक और बटन है, यहाँ पर हमारे ये साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये है जो भी मैंने बताया, इस तरफ ये लीवर लगा हुआ है ये बंस वगैरह को गर्म करने के लिए, पेटिस वगैरह। तो जब अगर मेरे को इस वाले फंक्शन को यूज करना है तो उसके लिए मुझे इस रेगुलेटर को जो है इस पॉइंट को मेरे को इस बन, देखिए एक बन बना हुआ है इसके ऊपर, तो यहाँ मुझे रखना होगा उसको यूज करने के लिए। और फिर एक साइन यहाँ बना हुआ है, तो इसके ये है डिफ्रॉस्ट। अगर हमने फ्रिज से सीधी ब्रेड निकाली और काफ़ी ठंडी है तो हमें सीधा जो है उसको डिफ्रॉस्ट की सेटिंग में रख देना चाहिए, वो जल्दी गर्म हो जाएगी हमारी ब्रेड जो है और अच्छी ब्राउन हो जाएगी। तो एक एक करके हम सारा ब्रेड्स करके देखते हैं, इसके बाद में मैं आपको और भी दिखाऊं, और भी इसमें कुछ फंक्शंस हैं। यहाँ जो मैंने ग्रुप से नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में एक ट्रे है, ये क्रम ट्रे बोलते हैं इसको, ये क्रम ट्रे है। जब हम इसको ब्रेड यूज़ करते हैं तो उसका चूरा वगैरह जो है नीचे की तरफ गिर जाता है, वो नीचे ना गिरे उसके लिए एक ट्रे दी है, सॉलिड है काफ़ी, इसमें वो चूरा जो है सब इकट्ठा हो जाएगा, और जब लगे कि इसमें चूरा आ गया है काफ़ी तो हम इसको बाहर से निकाल के ऐसे इसको निकाल के साफ करके वापस इसमें लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए इसके पार्ट सारे के सारे। अब हम इसको थोड़ा चला के देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको पावर में लगा रहा हूँ। देखिए मैंने कहा था ये लीवर जो है अभी फंक्शन नहीं करेगा, जब तक मैं इसको पावर ऑन करूँगा ये लीवर फंक्शन नहीं करेगा। मैंने यहाँ से इसको पावर ऑन कर दिया इस समय, अभी मैंने कुछ भी नहीं इसमें लगाया है, और इसको कहीं भी रख देते हैं, मान लेते हैं 4 पे रख देते हैं। देखिए अभी लॉक हो गया यहाँ इसको पावर आने से, और देखिए जलना शुरू हो गया, लाल होना शुरू हो गए हैं। इसे जो कॉइल से देख दोनों तरफ देखिए, इसमें इस तरफ भी कॉइल है, ये बीच में भी कॉइल है, और यहाँ पर भी कॉइल्स है, ये सारी हीट हो जाती है। तो ब्रेड क्या होता है दोनों तरफ से जो है अच्छा सा सिक जाता है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इस बटन से जो है मैं इसको फंक्शन को रोक सकता हूँ और बीच में ही बंद कर सकता हूँ। देखिए ऑफ हो गया ना, ये ऊपर आ गया लीवर इसको दबाते ही, तो इंटरप्ट कर सकता हूँ मैं इसकी जो भी फंक्शन यहाँ पे सेटिंग है उसको इंटरप्ट कर सकता हूँ और प्रोसेस को बीच में ही रोक सकता हूँ मैं, अगर नहीं चाहता उसको और ज़्यादा गर्म करना, काफ़ी अच्छी हीट आने लग गई है। तो चलिए मैं इसमें एक टोस्ट ले लेते हैं कोई भी, मेरे पास ब्रेड है, ये हार्वेस्ट की ब्रेड है, हार्वेस्ट गोल्ड, अच्छा साइज होता है, सैंडविच ब्रेड से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसमें इतनी जगह है कि इसमें सैंडविच ब्रेड भी आराम से आ सकता है। देखिए इसको लगाने के बाद में भी जो है करीब 2 उंगल जगह बचती है इसके अंदर, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ, यहाँ देखिए इसको लगाने के बाद में भी इसमें इतनी जगह और बच जाती है, मतलब हम बड़ी ब्रेड भी, इससे भी बड़ी ब्रेड हम इसमें यूज कर सकते हैं। जब मैं इसको ब्रेड को रख देता हूँ इस तरफ और इस तरफ, तो ऑटो एडजस्ट हो जाता है, ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी। देखिए ये अब ये ब्रेड जो है बराबर के डिस्टेंस पे आ गई है सब जगह से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, दोनों की दोनों स्लाइस जो है सब जगह से एक बराबर के डिस्टेंस पे आ गई है। तो ऐसा होने से क्या होगा, ये ब्रेड अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से सिकेगी,
प्रोसेस शुरू हो गए। मैंने अभी इसको लगाया था चार पर, लेकिन मैं इसको मिडिल ब्राउनिंग पे रखता हूं, पांच नंबर पे। ये मिडिल ब्राउनिंग है, ना ज्यादा जो है सख्त होगी ब्रेड, ना ज्यादा काली होगी, ना ही ज्यादा व्हाइट रहेगी, एक मिडिल उस पर पांच पे हमें इसका ऐसे इंस्ट्रक्शन में है इसको रखना चाहिए। अब देखते हैं कितना समय लगता है इसको पॉपअप होने में। पॉपअप का मतलब क्या होता है कि जैसे ही होगा ये पॉपअप मतलब उछल जाएगी ऊपर, ये ग्रिल जो है इस ब्रेड को ऊपर ले आएगी अपने आप ही इस सीखने के बाद में। तो ये पॉपअप है एक्चुअल में, इसलिए इसको पॉपअप टोस्टर कहा जाता है। खुशबू आने लगी है देखिए अच्छी सी ब्रेड के सीखने की। हाँ, प्रोसेस चालू है। इस लीड को जो है हम जब ये ऑन पोजीशन पे है या गर्म है तब हमें इसको कवर को इसके ऊपर नहीं रखना है। ये आइडियल समय के लिए है जब हम इसको यूज ना कर रहे हो इसको, और ये ठंडा हो चुका है और हम इसको काफ़ी समय तक दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं, दोबारा जैसे मॉर्निंग में यूज करना है वगैरह, तो उसको डस्ट वगैरह ना जाए और या कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना जाए, तो उससे बचाने के लिए हम इस लीड को यूज करते हैं। ऐसे हम इसको इस समय यूज नहीं कर सकते, ये पिघल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसको तो हमने एक तरफ रख दिया है, देखिए ब्राइड होने ही वाली है थोड़ी देर में, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसमें, टाइम आपके सामने है कितना समय लग रहा है इसमें, पांच नंबर पर कितना समय ले रही है टाइम आपके सामने ही है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें एक अच्छी चीज मुझे दिखाई देती है कि सब जगह से जो है क्वेल्स बिल्कुल बराबर रेड होती है। जो लोकल टोस्टर्स आते हैं उसमें कोई क्वेल होती है गर्म, कोई नहीं होती है, लेकिन इसमें बराबर की मुझे जो हीटिंग हो, देखिए पॉपअप हो गया थोड़ा अचानक ऐसा हो जाता है इसमें। ये देखिए, देखिए कितनी अच्छी ब्रेड सीखी है, ये देखिए इसको भी देखिए, पांच नंबर पे बहुत अच्छी ब्रेड सीखती है इस पर, देखिए है ना कितनी अच्छी ब्रेड सीखी है। देखिए इधर से थोड़ा सा वाइट है, अदरवाइज बराबर है, थोड़ी ये सिकुड़ गई है ब्रेड। मैं आपको बताऊंगा इसमें फॉल्ट भी क्या है और क्या इसका टेस्ट कैसा रहता है। मैं आपको पहले इसको तोड़ के दिखाता हूँ, इस ब्रेड को देखिए, पांच नंबर पे भी सेके है, अभी सात नंबर पे भी हम इस ब्रेड को सेकेंगे। ये देखिए मैं इसको आपको तोड़ के दिखाता हूँ, इस ब्रेड को कैसी क्रिस्पी, देखिए क्या क्रिस्पी ब्रेड है, देखिए साउंड आप सुन रहे होंगे है ना, देखिए क्या कितना बढ़िया साउंड आ रहा है, ब्रेड कितनी क्रिस्पी हो गई है। तो ये तो पांच नंबर पे थी सेटिंग, अब इसकी हाईएस्ट सेटिंग देखते हैं जो सात नंबर है। वैसे आठ नंबर पे बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो सात नंबर पे मैं हम दो ब्रेड और इसमें ट्राई कर लेते हैं। मैं इसमें दोबारा ब्रेड लगा रहा हूँ, कई बार जब ये अचानक पॉपअप होता है तो बच्चे कई बार डर जाते हैं, तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, पहले इसको आठ नंबर पर लगा देता हूँ, वो सॉरी सात नंबर पर लगा देता हूँ इसको। मैंने इसको सेटिंग को सात नंबर पर कर दिए और अब इसको दोबारा से शुरू करते हैं। ये देखिए बिल्कुल बराबर ब्रेड इसमें, बिल्कुल हर जगह से बराबर ये स्पेसिंग पे आ जाती है ब्रेड। ये इसका एक अच्छा फायदा है इस टोस्टर का, और ये किचन में रखा हो इतना सुंदर लगता है ये टोस्टर, एक शोपीस टाइप का भी यानी सुंदरता बढ़ाता है किचन की, ये रखा हुआ किचन के अंदर। तो इस समय ये सात नंबर पर सिक रही है, टाइम आपके सामने है, देखते हैं कितना समय इसको लगता है और इस बार ब्रेड कैसा सिकता है इसमें। फिर हम इसको इस वाले ब्रेड से जो हमने सेका था पांच नंबर पे उससे कंपेयर करके देखेंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लगा था पिछली बार भी सिकने में, और इस बार भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये 830 वाट का है, जैसा हम इसके नीचे बेस की प्लेट में देख चुके हैं। चलिए होने वाला है ये, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ब्रेड सिकने की। अगर आप लेना चाहते हैं और आप टोस्ट खाने के शौकीन हैं तो एक अच्छी चॉइस है लेने के लिए आपको लोकल उनके मुकाबले, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और सुंदरता भी बहुत अच्छी है इसकी टोस्टर की।
बाकी एक थोड़ी कमी है, वो मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसमें देखिए ब्रेड आने वाला है थोड़ी देर में, और ये लीवर अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये ब्रेड सीख जाएगा तो लीवर अपने आप ऊपर आ जाएगा और मशीन ऑफ हो जाएगी। अब जो है होने ही वाला है जस्ट। देखिए हीटिंग चारों तरफ से हीटिंग बराबर है, देखिए है ना, बिल्कुल बराबर हीटिंग आ रही है सब जगह से। आने वाला है ये जो एक्चुअल में सेटिंग्स है, ये इसकी जो 8 सेटिंग है, ये इसका टेम्परेचर तो सेम ही रहता है हर जगह से। टेम्परेचर रेगुलेटर नहीं है वो बस इसका टाइमर है। फिर से आ गया, देखिए वो इसका एक जो है टाइमर है कि उसका टाइम बढ़ा देता है, वो सेकने का जो टाइम है वो उसको इंक्रीज कर देता है। जितना उसका नंबर बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से टाइम बढ़ाता जाएगा। अब ये देखिए, अब ये हमारे पास में दोनों प्रकार के ब्रेड हैं। ये पहले का जो 5 नंबर सेटिंग में सिखा हुआ ब्रेड, और ये हमारे पास में 7 नंबर सेटिंग में सिखा हुआ है। थोड़ा सा देखिए काला हो गया ब्रेड, ये 7 नंबर की सेटिंग में सिखा हुआ ब्रेड है, और ये 5 नंबर का। तो मीडियम ब्रेड खाने के लिए 5 नंबर सेटिंग ठीक ठाक है इस के हिसाब से। ये दूसरा भी देखिए, ये दोनों ब्रेड देखिए इस तरफ से जो ब्लैक हो चुके हैं पूरे, खाने लायक है, थोड़ा साफ करके खाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ये डार्क हो गए हैं। इस तरफ से भी देखिए, अब इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ इसमें क्या फर्क आया है, और ये कितना वो हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत कुरकुरे हैं, बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी। स्पॉन्ज भी बना हुआ है अंदर, अंदर जो स्पॉन्ज है वो भी है, देखिए ये देखिए। और इसका जो है टेस्ट तो अच्छा होता ही है, बहुत ही क्रिस्पी हो गया है, बहुत क्रिस्पी देखिए है ना। बस कलर जो इसका डार्क हो गया उसके मुकाबले, वो पहले वाला भी अच्छा था पहले। अब देखिए सॉफ्ट हो गया, पहले वाला ना थोड़ा सा रखे रखे, अब ये सॉफ्ट हो गया, अब ये क्रिस्पी नहीं बचा, इसने मॉइस्चर पकड़ लिया है, पहले के टुकड़ों ने मॉइस्चर पकड़ लिया। कुछ कुछ जो है वो है, और जो अभी का हमने सेका था वो वाला, ये गर्म वाला ब्रेड है देखिए, ये अभी भी गर्म है क्योंकि ये क्रिस्पी है। इसमें कम सेटिंग पे क्या होता है, मैं आपको बता रहा था कि इसमें कमी है, अगर हम थोड़ा वो रखते हैं तो ब्रेड बहुत अंदर से जो मॉइस्चर अभी मैंने दिखाया है, ये जो मॉइस्चर होना चाहिए स्पॉन्ज एक थोड़ा सा ब्रेड में, वो खत्म हो जाता है, और ब्रेड ऐसे रुखे रुखे हो जाते हैं कई बार। तो आप जब इसको यूज करेंगे इस टोस्टर को, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि किस सेटिंग में हमें ब्रेड को रखनी है। आपकी चॉइस के हिसाब से आप इसमें जिस भी सेटिंग पे चाहो, इनमें से जिस भी सेटिंग पे आप चाहो उसमें आप इसको सेट कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने स्वाद के हिसाब से। तो ये तो आपकी इच्छा पर है कि आप कैसा ब्रेड पसंद करते हैं। थोड़ा स्पॉन्ज हो, ऊपर से कुरकुरा रहा हो तो ब्रेड ज़्यादा अच्छा लगता है। ये स्पॉन्ज है अभी इसमें, ये बिल्कुल ऐसा ड्राई नहीं हुआ है, अंदर मॉइस्चर है, स्पॉन्ज है इसके अंदर देखिए, ठीक है ना। तो इसकी वारंटी और इसके प्राइस की बात करते हैं, तो आप अमेजोन वगैरह पे जाकर या स्टॉप पर जाकर, क्योंकि समय समय के साथ बदलती रहती है, हमारा परचेज जो है 1 साल से भी ज़्यादा पुराना है, तो इस समय क्या पोजीशन है, कितना इसका प्राइस आ रहा है, इस समय लेटेस्ट प्राइस क्या है, और इसकी वारंटी कंडीशन क्या है, वो आप अमेजोन पर जाके चेक कर सकते हैं। हमारा वीडियो सिर्फ इसके बारे में था, ये कैसी ब्रेड सेक सकता है, और इसी फंक्शंस वगैरह क्या है, और कैसा लगता है ये। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, आप इसको जरूर खरीदिए, आपकी किचन की शोभा बढ़ाएगा। ओके, थैंक यू।